आज हम लोग एक्सपेंशन इसका चैप्टर टेस्ट करने वाले हैं। इसका सारा एक्सरसाइज हम लोगों ने कर लिया है, यदि आपने देख लिया तो बहुत अच्छा, नहीं तो प्लेलिस्ट में एक बार चेक कर लीजिएगा। आइए आज हम लोग इसका चैप्टर टेस्ट स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग 2x + 3y + 5 ((2x + 3y - 5)). इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे, इसके लिए आइडेंटिटीज हम लोग यूज़ करेंगे जो हम लोगों ने एक्सरसाइज में काफ़ी बार यूज़ किया हुआ है। इसे समझने की कोशिश करिए, देखिए ये 2x + 3y यहाँ भी है, 2x + 3y यहाँ भी है, तो इधर के लिए आप इसको a और इसको b सोचिए, तो ये a प्लस बी हो गया, और यहाँ देखिए ये a माइनस बी हो गया। तो याद करिए a प्लस बी और a माइनस बी किसका आइडेंटिटी था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका ही तो आइडेंटिटी है। ए प्लस बी ए माइनस बी किसका आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब क्या करना है, ए स्क्वायर, तो ए आपके लिए क्या है 2x + 3y का ये होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, माइनस बी, बी क्या है आपके लिए 5, तो ये 5 का होल स्क्वायर। आगे क्या करना है, इसे एक्सपेंड करना होगा, इसे एक्सपेंड करना होगा। अगेन देखिए ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका आइडेंटिटी तो बच्चा बच्चा जानता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना 25। बिल्कुल सही। आगे देखिए ये क्या है, ये 4x² 2 × 2 = 4 4 × 3 = 12 ये 12xy 3 का स्क्वायर 9 तो ये 9y² माइनस 25। बस खत्म हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट ये भी वही है, फाइंड द एक्सपेंशन, इसके एक्सपेंड करना है 6 - 4a - 7b का होल स्क्वायर। इसे कैसे करेंगे, कुछ नहीं वही एक्सपेंशन जो फार्मूला है हम लोगों के पास, इन दोनों को 6 - 4a को x मान लीजिए, इसे y मान लीजिए, तो ये देखिए क्या हो गया, ये x - y का होल स्क्वायर, मतलब a - b का होल स्क्वायर। इसका आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर या x² - 2xy + y² यही तो आइडेंटिटी है। ये लाइन मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, इसे आपको लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट सम्स करना है। तो क्या कहता है, ए स्क्वायर मतलब x² x क्या है 6 - 4a इसका ये स्क्वायर हो गया, -2xy तो 2, x क्या है आपके लिए 6 - 4a, y क्या है आपके लिए 7b प्लस y मतलब 7b, तो 7b का क्या स्क्वायर। ये देखिए क्वेश्चन फ्रेम हो गया। आगे क्या करना है, ये अगेन a - b का होल स्क्वायर हो गया, फिर से देखिए a - b का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये मैंने इसका एक्सपेंशन किया। आगे इसका देखिए क्या था, ये 2 × 7b क्या हुआ, मल्टीप्लाई करने पे 14b, ब्रैकेट में जो है उसे वैसे ही रहने दीजिए। अच्छा 7 का स्क्वायर 49, तो ये 49b² हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 6 का स्क्वायर कितना 36, ठीक है 2 × 6 = 12, 12 × 4 = 48, 48 के साथ क्या है a है, ठीक है 4 का स्क्वायर 16, तो 16a² ये मल्टीप्लाई करना था, प्लस माइनस माइनस 14 × 6 = 84, साथ में b है तो ये b आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 14 × 4 = 56, साथ में a × b क्या हो गया a भी हो गया, प्लस 49b². अब आप यहाँ चेक कर लीजिए क्या कोई लाइक टर्म्स है, यहाँ देखिए क्या कोई लाइक टर्म्स है, जी नहीं, तो बस यही आपका आंसर है। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। 1 का थर्ड पार्ट क्या है, 7 - 3xy का होल क्यूब, मतलब यहाँ पे हम लोग a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वो आइडेंटिटी आपको याद होगा, क्या था वो आइडेंटिटी,
ए माइनस बी का होल क्यूब, या आइडेंटिटी क्या कहता है, ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस क्या बी क्यूब। यहाँ पे ये आपके लिए ए है, ये पूरा पार्ट बी है, बस कंपेयर करना है और कुछ नहीं। ए क्यूब मतलब सेवन का क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, बी क्या है थ्री एक्स वाई ठीक है, प्लस थ्री ए बी क्या है थ्री एक्स वाई, तो ये थ्री एक्स वाई का स्क्वायर हो गया, माइनस बी क्यूब, बी क्या है थ्री एक्स वाई और इसका ये क्यूब। आगे इसे सिंप्लीफाई करना है, एकदम सिंपल, सेवन का क्यूब कितना 343, सेवन का स्क्वायर 49 इंटू नाइन 441 एक्स वाई है ना, 9 और 981 ठीक है। यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो गया और ये 21 इंटू नाइन 189, यहाँ से मिला आपको 189, साथ में x का स्क्वायर और y का स्क्वायर ठीक है, 3 का क्यूब 27, x का क्यूब और ये y का क्यूब। क्या इसमें कोई लाइक टर्म्स है? जी नहीं, बस यही है आपका आंसर। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस टू का होल क्यूब। इसे भी वही ए प्लस बी के होल क्यूब का आइडेंटिटी को ही यूज़ करेंगे हम लोग, जो पीछे क्वेश्चन में हम लोगों ने यूज़ किया। यहाँ पे ये दो मेरे लिए ए है, ये मेरे लिए बी है, आइडेंटिटी क्या कहता है, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू क्या, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये मेरा आइडेंटिटी है। अब इसे कैसे कंपेयर करना है, देखिए ये आपके लिए ए है ये बी है, तो ए क्यूब मतलब एक्स प्लस वाई का होल क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, फिर थ्री ए बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब है ना, बस इसे सिंप्लीफाई करना है। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ये तो पूरा एक आइडेंटिटी है, इसे खोल दीजिए, ए क्यूब थ्री ए स्क्वायर बी थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये हो गया, ये टू थ्री ज़ा क्या हुआ सिक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ठीक है। आगे देखिए ये क्या है, टू का स्क्वायर फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व एक्स प्लस वाई, टू का क्यूब एट हो गया। आगे देखिए क्या है, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, सिक्स से इसका मल्टीप्लाई करना है, तो ये सिक्स एक्स स्क्वायर सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व एक्स वाई सिक्स वाई स्क्वायर, यहाँ 12 से तो ये 12x प्लस 12y प्लस 8। अब देखिए क्या कोई लाइक टर्म्स है इसमें, x क्यूब और तो है नहीं, x स्क्वायर वाई जी नहीं, एक्स वाई स्क्वायर नहीं है, वाई क्यूब नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स वाई जी नहीं, कोई लाइक टर्म्स नहीं है, तो बस यही आपका आंसर है। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर टू देखिए क्या है, सिंप्लीफाई क्या करना है, x माइनस टू इन ब्रैकेट x प्लस टू इन ब्रैकेट, स्टेप बाय स्टेप करना है। ध्यान से देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी है किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इन दोनों को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे इसे एज इट इज कॉपी कर दीजिए, इसे कॉपी कर दीजिए, एक्स टू दी पावर फोर प्लस 16। फिर यहाँ ध्यान से देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 16 हो गया, ये दोनों सिंप्लीफाई हो गया, ये रह गया एक्स फोर प्लस 16। अगेन देखिए
ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बस खत्म हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थ्री, देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, इवैल्यूएट 1002 इंटू 998 बाय यूजिंग अ स्पेशल प्रोडक्ट। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने एक्सरसाइज भी किया है, देखकर आपको जरूर ध्यान में आ रहा होगा। क्या करेंगे देखिए, बहुत ही सिंपल, क्या है ये 1002, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 1000 प्लस 2, ठीक है, 998 इसे कैसे लिखेंगे 1000 माइनस 2। ध्यान से देखिए ये आइडेंटिटी बन गया किसका, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये किसका आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे ये ए है ये बी है, तो ए स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी मतलब 2 का स्क्वायर, 1000 का स्क्वायर मतलब 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 10 से 4 गया 6 आ गया, कितने प्लेस, 1 2 3 4 5, 5 9 बैठा दीजिए, 1 2 3 4 5, बस खत्म हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर, देखिए क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, इफ ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, प्रूव दैट ए क्यूब प्लस 8 बी क्यूब प्लस 27 सी क्यूब इक्वल्स टू 18 ए बी सी। ये हम लोग को प्रूव करना है। सबसे पहले जो गिवन है हम लोगों के पास, क्या गिवन है, गिवन आपके पास है ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी इक्वल्स टू क्या है, जीरो है। अच्छा इसे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस टू बी इक्वल्स टू माइनस थ्री सी, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने ये डिराइव किया, ठीक है। आपका एल एच एस, देखिए एल एच एस क्या है, एल एच एस है आपका ए क्यूब प्लस 8 बी क्यूब प्लस 27 सी क्यूब, यही है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का होल क्यूब और ये 2b का होल क्यूब, इसे वैसे ही रहने दीजिए, 27 सी क्यूब वैसे ही रहने दीजिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 ab, अगेन इन ब्रैकेट ए प्लस बी, यही तो आइडेंटिटी है, भूल गए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे यूज किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 ab, अगेन इन ब्रैकेट ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज किया। अब देखिए ए प्लस 2b का वैल्यू क्या है, ए प्लस 2b का वैल्यू माइनस सी है, माइनस 3c, तो ये माइनस 3c का क्यूब हो गया, 3 2 6 ab, ए प्लस 2b क्या है माइनस 3c, चलिए माइनस का क्यूब माइनस ही रहेगा, 3 का क्यूब 27, तो ये 27 c³ आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, 6 3 18 abc, ठीक है। साथ में देखिए ये 27 c³ ही तो था, प्लस 27 c³ प्लस 27 c³ था, तो ये आ गया प्लस 27 c³, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, क्या मिला 18 ABC, वही तो प्रूफ करना था। सो देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, क्या हुआ ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड, बस खत्म। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फाइव, तो नंबर फाइव क्या है, देखिए इफ 2x इज इक्वल्स टू 3y माइनस 5, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x³ माइनस 27y³ प्लस 90xy प्लस 125। कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आइए इसे हम लोग करेंगे कैसे। सबसे पहले ये जो गिवन है, क्या गिवन है, ये ध्यान से देखिए, ये है 2x इज इक्वल्स टू 3y माइनस 5, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू क्या, माइनस 5। ये हमने एक वैल्यू यहाँ से डिराइव कर लिया। अब देखिए इसका यूज़ यहाँ पे कैसे होगा,
जिसे सिंप्लीफाई करना है वो क्या है आपके पास, 8x³ माइनस 27y³ प्लस 90xy प्लस 125। थोड़ी देर के लिए इन दोनों को आप भूल जाइए, इन दोनों को देखिए, ये 8x³ जो है इसे आप 2x³ ऐसे लिख सकते हैं, 27 जो है इसे 3y³, इसे एज इट इज जस्ट कॉपी करना है। अब इसे ध्यान से देखिए, a³ - b³ का कौन सा आइडेंटिटी, a³ - b³, इसका ये आइडेंटिटी था ना, याद है, a - b³ प्लस 3ab अगेन इन ब्रैकेट a - b, ये वाला आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। a - b, तो ये a है, ये b है, तो ये a - b³ प्लस 3ab प्लस 3ab, ठीक है, इन ब्रैकेट a - b। देखिए अरेंज्ड हो गया, आगे क्या करना है, इसे वैल्यू पुट करना है, 2x - 3y क्या है, -5, तो ये -5³, 3 3 = 9, 9 2 = कितना, 18xy, ये वैल्यू क्या है, -5, -5³ -125, ±, ये क्या है, 90xy। तो ये जो वैल्यू जो आपने लिखा, ये तो सिर्फ इसको जो सिंप्लीफाई किया वो आया, साथ में ये वैल्यू भी तो था, प्लस 90xy प्लस 125, ये भी तो साथ में क्वेश्चन में था, इसे भी तो उतारना होगा, प्लस 90xy प्लस 125 प्लस 90xy प्लस 125। अब आप ध्यान से देखिए, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, क्या आया, जीरो, बस खत्म। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए, सो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, इफ a² - 1/a² = 5 है, क्या वैल्यू फाइंड करना है आपको, a⁴ + 1/a⁴। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करते हैं हम लोग, कुछ नहीं, जो गिवन है इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या गिवन था आपके पास, a² - 1/a² = क्या है, 5 है, क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे हम लोग, a - b² होल स्क्वायर, उससे क्या मिला, a² - 2ab प्लस b² 5 का स्क्वायर कितना, 25। a² का स्क्वायर क्या हो गया, a⁴, ये a² कैंसिल हो गया, -2 प्लस 1/a⁴ = कितना, 25। ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस a⁴ प्लस 1/a⁴ = 25 प्लस 2, मतलब कितना, 27, बस यही है आंसर, हो गया। चलिए इसे कॉपी करिए, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ a + 1/a = p है एंड a - 1/a = q है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन p एंड q। कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें रिलेशंस पूछा जाए, यूजुअली ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, ये देखिए a + 1/a = p दिया हुआ है, आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, मतलब p स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, q² का वैल्यू निकालिए, फिर उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब p² - q² वो वैल्यू एक्चुअली हम लोग निकालते हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ये a + 1/a = p था, आपने इसके ऊपर स्क्वायर दिया,
तो इसका वो भी स्क्वायर हो गया, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, पी स्क्वायर, ये a a कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, पी स्क्वायर माइनस टू। इसे हम लोगों को इधर नहीं करना चाहिए था, इसे रहने दीजिए। तो ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर प्लस टू इक्वल्स टू क्या, प्लस टू इक्वल्स टू पी स्क्वायर, बस इसे रहने दीजिए। दूसरा क्या था देखिए, a माइनस वन बाई ए इक्वल्स टू क्यू, आप इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो यहाँ से ये a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, क्यू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखिए ये a कैंसिल हो गया, तो a स्क्वायर माइनस टू प्लस वन बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिला आपको, क्यू स्क्वायर मिला। निकालना क्या है आपको, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। कभी भी रिलेशन वाले क्वेश्चंस हो उसके दो स्क्वायर के डिफरेंसेस को निकालते हैं हम लोग, तो इन दोनों स्क्वायर का डिफरेंसेस, तो पी स्क्वायर मतलब ये वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या है आपका, ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर प्लस टू, ठीक है। माइनस है, ये माइनस है, अंदर का साइन चेंज होगा, माइनस प्लस में चेंज हो गया, प्लस माइनस में चेंज हो गया, बिल्कुल सही। ये देखिए प्लस, ये माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, टू प्लस टू क्या, फोर, बस यही है आंसर। चलिए कॉपी कर लीजिए इसे। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर एट, देखिए क्वेश्चन नंबर एट क्या है, इफ ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए इक्वल्स टू फोर फाइंड द वैल्यू ऑफ टू ए क्यूब प्लस टू बाई ए क्यूब। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए इसे करेंगे कैसे। देखिए क्या फाइंड करना है आपको, टू ए क्यूब प्लस टू बाई ए क्यूब, ठीक है। देखिए यहाँ आप टू कॉमन ले सकते हैं, जैसे ही आपने टू कॉमन लिया ये ए क्यूब रह गया प्लस वन बाई ए क्यूब, ठीक है। आगे देखिए ये टू, ठीक है, ये a का होल क्यूब प्लस वन बाई ए का ये होल क्यूब हो गया। आगे a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, ये a प्लस b का होल क्यूब, ये ब्रैकेट है, a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी अगेन इन ब्रैकेट a प्लस b, यही तो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें से देखिए ये ए ए कैंसिल हो गया, फर्दर इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ये टू कॉमन का था, ए प्लस वन बाई ए जो है, या यदि आपने ए एलसीएम ले लिया तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस वन का ये होल क्यूब था, तो ये होल क्यूब, ठीक है। ये ए कैंसिल हो गया तो ये माइनस थ्री, ए प्लस वन बाई ए है, एलसीएम आपने ए ले लिया तो ये ए स्क्वायर प्लस वन हो गया, और ये ब्रैकेट कर दिया आपने, यहाँ तक एकदम सिंपल। अब ठीक ध्यान से देखिए ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए का वैल्यू कितना है, फोर, इसे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये आ गया फोर का क्यूब माइनस थ्री इंटू फोर। देखिए कितना सिंपल हो गया सम्स, ये टू रह गया, फोर का क्यूब सिक्सटी फोर माइनस ट्वेल्व, ठीक है। तो टू इंटू कितना, फिफ्टी टू, मतलब कितना, 104, बस खत्म। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नाइन, देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है, इफ x इज इक्वल्स टू वन बाई फोर माइनस x, ठीक है, ये गिवन वैल्यू है। आपको फाइंड क्या करना है, x प्लस वन बाई एक्स, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, और x टू द पावर सिक्स प्लस वन बाई एक्स टू द पावर सिक्स। काफी सिंपल है, सबसे पहला देखिए क्या है, नंबर वन जो आपको फाइंड करना है वो क्या है, एक्स प्लस वन बाई एक्स, इसे जब आप एलसीएम लेंगे तो ये एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसे और फर्दर आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते,
तो यहाँ पे इसको सब्सिट्यूट करने के लिए मुझे कोई वैल्यू चाहिए, वो वैल्यू यहाँ से मिलेगा। इसको देखिए, यदि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से क्या मिलेगा, x इंटू फोर फोर एक्स, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, वन। ये माइनस है, दूसरी तरफ भेज दीजिए प्लस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस हो गया, ये पहले से ही प्लस है तो प्लस वन इक्वल्स टू क्या, ज़ीरो। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू क्या, फोर एक्स। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसे किससे सब्सिट्यूट करेंगे हम लोग, फोर एक्स से, तो ये हो गया फोर एक्स बाई एक्स, एक्स एक्स रिड्यूस हो गया, क्या मिला फोर। तो ये एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू मिल गया। दूसरा देखिए, जो आपको फाइंड करना था वो क्या था, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, मतलब ए क्यूब, और ये आपके लिए बी क्यूब हो गया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी, अगेन इन ब्रैकेट ए प्लस बी। यही तो फार्मूला है, यही फार्मूला है। एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू अभी आपने निकाला कितना है, फोर, तो यहाँ पुट कर दीजिए, ये फोर का क्यूब, यहाँ देखिए थ्री इंटू फोर, फोर का क्यूब सिक्सटी फोर माइनस ट्वेल्व, ये टू और ये फाइव फिफ्टी टू। देखिए सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में क्या फाइंड करना था आपको, एक्स टू द पावर सिक्स प्लस वन बाई एक्स टू द पावर सिक्स, वो कैसे मिलेगा। ये देखिए, ये जो आपने निकाला एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, इसका वैल्यू क्या आया, 52। आप इसी का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, इसी का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 52 का स्क्वायर। 52 का स्क्वायर मतलब 52 इंटू 52, ये 4 ये 10, ठीक है, 5 2 10 कैरी 1 और ये 26, 4 0 7 2 2 7 0 4 2 7 0 4, ठीक है। याद है कि ये कैंसिल हो गया, प्लस 2 उधर चला गया, तो ये x टू द पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 6 इक्वल्स टू 2 7 0 4 माइनस 2 मतलब 2 7 0 2, ये आंसर आ गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन, देखिए, इफ़ एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल्स टू क्या है, 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/4 इन ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस 1/x³। एकदम सिंपल है, आइए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। क्या था, क्या फाइंड करना है आपको, 1/4, ठीक है, ये क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये a माइनस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3 ए बी, अगेन इन ब्रैकेट a माइनस बी। ये देखिए फॉर्मूला में मैंने इसको अरेंज कर दिया, आगे ये x x कैंसिल हो गया, ये 1/4, ठीक है, x माइनस 1/x का वैल्यू देखिए क्या है, ये है आपका 3 प्लस 2 रूट 2 का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है। आगे क्या करना है, ए प्लस बी का होल क्यूब में इसे खोलना है, ए प्लस बी होल क्यूब, तो ये ए क्यूब प्लस 3 a² b + 3 a b² प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको खोल दिया आपने, इसे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 3 = 9, ठीक है, प्लस है 3 2 = 6 √2, ठीक है। आगे देखिए 1/4, ये कितना, 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 = 27, 27 × 2 = 54, 54 √2, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 = 12, 12 3 = 36 √2, √2 नहीं, ये तो 2 का स्क्वायर हो गया,
टू टू का स्क्वायर टू हो गया, टू हो गया इंटू टू, ठीक है ना। टू का स्क्वायर फोर, थ्री या ट्वेल्व, ट्वेल्व थ्री या थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स इंटू टू। यहाँ देखिए क्या है, टू का क्यूब एट हो गया, एट इंटू रूट टू का क्यूब, रूट टू इंटू रूट टू टू, तो ये टू रूट टू हो गया, प्लस नाइन प्लस सिक्स रूट टू, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, थर्टी सिक्स इंटू टू कितना हो जाएगा, ये सेवेंटी टू, ये हो जाएगा सेवेंटी टू। अच्छा ट्वेंटी सेवन प्लस सेवेंटी टू प्लस नाइन कितना, देखिए ट्वेंटी सेवन प्लस नाइन थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स और टू थर्टी एट और सेवेंटी हंड्रेड एंड एट, तो ये आ गया हंड्रेड एंड एट, ठीक है। अच्छा फिफ्टी फोर रूट टू प्लस सिक्सटीन प्लस सिक्स, फिफ्टी फोर प्लस सिक्स कितना सिक्सटी, सिक्सटी और सिक्सटीन सेवेंटी सिक्स, सेवेंटी सिक्स रूट टू। इन दोनों में फोर कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ये वन बाई फोर बाहर में था, इन दोनों में यदि आपने फोर कॉमन लिया, फोर कॉमन लिया, फोर टू ज़ा एट, टू रह गया ट्वेंटी एट, फोर सेवन ज़ा ट्वेंटी एट, ये प्लस है, फोर आपने कॉमन लिया था तो फोर वन ज़ा फोर, फोर नाइन ज़ा थर्टी सिक्स, नाइनटीन रूट टू। इससे ये फोर फोर कैंसिल हो गया, क्या बचा अल्टीमेटली, क्या मिला आपको, ट्वेंटी सेवन प्लस नाइनटीन रूट टू, बस यही है आपका आंसर। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल्स टू थ्री वन बाई थ्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, ठीक है। एकदम सिंपल है, सबसे पहला देखिए क्या गिवन है, ये x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू टेन बाई थ्री गिवेन है। आपको जो फाइंड करना है वो क्या है, देखिए x क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज होगा, तो a माइनस बी का होल क्यूब प्लस थ्री ए बी, अगेन इन ब्रैकेट a माइनस बी, यही है फॉर्मूला। इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू चाहिए होगा, लेकिन आपके पास x प्लस वन बाई एक्स है, एक फार्मूला है याद रखिए, x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी। ये कौन सा आइडेंटिटी हमने यूज़ किया, ये यूज़ किया हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी, याद है ये आइडेंटिटी हमने यूज़ किया। इससे देखिए ये x x कैंसिल हो गया, x प्लस वन बाई एक्स क्या था, x माइनस वन बाई एक्स का ये होल स्क्वायर, x प्लस वन बाई एक्स टेन बाई थ्री, तो टेन बाई थ्री का स्क्वायर हंड्रेड बाई नाइन, हंड्रेड बाई नाइन माइनस फोर। अब इन दोनों में जब आप एलसीएम लेंगे तो ये 9 आ गया, तो 100 माइनस 36, 100 माइनस 36 मतलब 64 बाई 9, 64 बाई 9 क्या है, x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो फिर सिर्फ x माइनस वन बाई एक्स क्या होगा, प्लस माइनस 8 बाई 3, प्लस माइनस 8 बाई 3 क्या निकला, x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू, तो ये 8 बाई 3 का होल क्यूब, ये x कैंसिल हो गया, 3 इंटू 8 बाई 3, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ये 3 कैंसिल हो गया, 8 का क्यूब 512, 3 का क्यूब 27, प्लस कितना है ये 8 है। यहाँ जब आपने एलसीएम लिया तो ये एलसीएम कितना मिलेगा, 27, 27, तो ये 512 एज इट इज़ कॉपी हो गया, 27 इंटू 8 कितना, 7 8 जा 56, 5 कैरी 16 और 5 21, 216, इन दोनों को ऐड करने पे क्या मिलेगा, 6 प्लस 2 8 हो गया, 1 प्लस 1 ये 2 रह गया, 5 और 2 7, 7 28 बाई 27। इसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे,
मतलब 27 से 728 को डिवाइड करना है, 2 टाइम करेंगे तो कितना 54, 12 से 4 गया 8, 6 से 5 गया 1, 8, 27 6 टाइम कितना 7 6 जा 42, कैरी कितना 4, 4, 12 और 4 16, क्या रह गया, क्या रह गया 8 माइनस 2 6, ये 2, मतलब 26 26 बाई 27, बस यही है आपका आंसर। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इफ x इज इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1 बाई x क्यूब, ये हम लोगों को फाइंड करना है। ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, देखिए आपको फाइंड क्या करना है, x क्यूब माइनस 1 बाई x क्यूब, मतलब a क्यूब माइनस b क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या है, a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab, अगेन इन ब्रैकेट a माइनस b, ठीक है। मतलब इसको सॉल्व करने के लिए x माइनस 1 बाई x का वैल्यू चाहिए होगा, x का वैल्यू गिवन है, x इक्वल्स टू क्या है 2 माइनस रूट 3। नेक्स्ट स्टेप में आप 1 बाई एक्स निकाल लीजिए, 1 बाई एक्स मतलब 1 बाई 2 माइनस रूट 3, इसे क्या करते हैं हम लोग रैशनलाइज, रैशनलाइज मतलब इसके ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, ये तो अब आप सीख ही चुके हैं। आइए इसके बाद 1 बाई एक्स इक्वल्स टू क्या 2 प्लस रूट 3, नीचे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज़ हो गया, इससे क्या मिला आपको 2 प्लस रूट 3, ये 2 प्लस रूट 3 क्या है 1 बाई एक्स। इसके बाद x माइनस 1 बाई एक्स निकाल लीजिए, x का वैल्यू क्या था 2 माइनस रूट 3, माइनस साइन चेंज होगा ये आ गया, आगे देखिए ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, माइनस रूट 3 मतलब माइनस 2 रूट 3, ये किसका वैल्यू है x माइनस 1 बाई एक्स का, यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दीजिए, माइनस 2 रूट 3 का ये क्या हो गया होल क्यूब हो गया, होल क्यूब ये x कैंसिल हो गया, प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स क्या है माइनस 2 रूट 3, माइनस 2 रूट 3 बस हो गया, माइनस का क्यूब माइनस ही रह गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, रूट 3 का क्यूब 3 रूट 3, ठीक है, प्लस माइनस माइनस रह गया, अच्छा 3 टू जा 6 रूट 3, माइनस 24 रूट 3, माइनस 6 रूट 3, माइनस 24 माइनस 6 कितना हुआ माइनस 30 रूट 3, बस खत्म हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 11, ठीक है, एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 737, फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर, सो लेट द टू नंबर बी एक्स एंड वाई। सबसे पहला काम, लेट द टू नंबर्स, लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, ठीक है, सम ऑफ द टू नंबर क्या है 11 है, मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 है, सम ऑफ देयर क्यूब्स मतलब x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल्स टू क्या है 737, आपको फाइंड क्या करना है सम ऑफ देयर स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसे आपको फाइंड करना है। इसे फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला यूज होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब x प्लस y का वैल्यू तो है हम लोगों के पास लेकिन एक्स वाई का वैल्यू नहीं है, तो पहले आपको ये एक्स वाई का वैल्यू निकालना होगा, वो कैसे मिलेगा इस फार्मूला के हेल्प से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फार्मूला है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, अगेन इन ब्रैकेट ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना 737, ये फार्मूला आपको सबको पता है, आगे एक्स प्लस वाई कितना है 11, तो ये 11 क्यूब माइनस 3xy इंटू 11 इक्वल्स टू 737, ठीक है, 11 का क्यूब 1331, 11 3 जा 33xy
इक्वल्स टू 737, ये माइनस है इधर आ जाएगा, तो 1331 माइनस 737 इक्वल्स टू 33xy, बिल्कुल ठीक। 11 से 7 गया 4, 2 रह गया, 12 से 3 गया 9, 11 से 7 गया 2 था, 12 हो गया, ये 2 रह गया, तो 12 से 7 गया, 12 से 7 गया, तो ये रह गया आपका 735, तो 75, 12, 1300, ठीक है, 594/33 इक्वल्स टू क्या एक्स वाई, 11 थ्री ज़ा, 11 फाइव ज़ा 55, 44 रह गया, 11 फोर ज़ा, 3 से देखिए 3 वन ज़ा 3 हो गया, 3 एट ज़ा 24, तो एक्स वाई का वैल्यू क्या मिला आपको 18 मिला। इसे यहाँ हम लोग पुट कर देंगे, तो ये 121 माइनस 2 इंटू 18, आगे देखिए 121 माइनस 36, 11 माइनस 6 5 रह गया, अच्छा ये 1 हो गया, 11 माइनस 3 8 रह गया, तो ये 85 आपका आंसर आ गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 7, ठीक है, एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू 133, फाइंड ए बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए ये जो गिवन है आपके पास, क्या गिवन था, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू 133, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला है, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab, अगेन इन ब्रैकेट ए माइनस बी इक्वल्स टू कितना 133, ए माइनस बी क्या है 7 है, तो ये 7 का क्यूब प्लस 3ab इंटू 7 इक्वल्स टू 133, 7 का क्यूब कितना 343 प्लस 21ab इक्वल्स टू कितना 133, ये प्लस है उधर भेज दीजिए, 21ab इक्वल्स टू 133 माइनस 343, ठीक है, आगे देखिए 21ab ये 3 है, 3 है ये, अच्छा माइनस बड़ा है, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1 और ये 2, तो फिर ab इक्वल्स टू क्या होगा माइनस 210 बाई 21, जो होता है माइनस 10, ए बी का वैल्यू निकल गया। आगे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, उसके लिए इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या है 7 है, इसका जब आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 49, ठीक है। आगे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको फाइंड करना है, माइनस 2ab, ab कितना है माइनस 10, तो 2 इंटू माइनस 10 इक्वल्स टू कितना 49, आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 20 इक्वल्स टू कितना 49, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 49 माइनस 20, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 49 माइनस 20 कितना 29, बस खत्म हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और काफी अच्छा क्वेश्चन भी है। क्या है क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाइए, इसे पहले सिंप्लीफाई करना है, फर्स्ट स्टेप इसे सिंप्लीफाई करिए, फिर मैं बताता हूँ कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब क्या होता है। इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, इन दो को ए सोचिए, इसको बी मान लीजिए, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, अच्छा उसी तरह इसे आप ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, तो यहाँ भी देखिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, बीच में प्लस था तो ये ए का स्क्वायर प्लस टू ए
बी प्लस बी का स्क्वायर, ये हमने इसको अरेंज कर दिया। बस आगे इसको सिंप्लीफाई करना है, एकदम सिंपल है। इसे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये अगेन आइडेंटिटी में ब्रेक हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। वन इंटू टू टू है, टू से एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन टू एक्स स्क्वायर, टू इंटू एक्स टू एक्स, ठीक है। वन का स्क्वायर वन है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। टू के साथ तो ये टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ठीक है। आगे देखिए x टू द पावर फोर, ठीक है, या टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो गया, ये टू एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। इसमें देखिए ये टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, यहाँ तक आपने कर लिया। आगे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना है, अब आप सिर्फ देखिए जो एक्स स्क्वायर जिसमें है, जो जिसमें जिसमें एक्स स्क्वायर है उसको अलग करिए, उसको अलग करिए। ये क्या है एक्स स्क्वायर, अच्छा ये क्या है प्लस टू एक्स स्क्वायर, और देखिए प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर और क्या है प्लस टू एक्स स्क्वायर, ये टोटल क्या हो गया देखिए वन टू थ्री थ्री फाइव टू सेवन, ये आपने देखिए सही से लिखा है, ये एक लिखा आपने, ठीक है, ये दो लिखा, ये एक लिखा, ये एक्स स्क्वायर, ये दो, सारा नंबर्स हम लोगों ने ठीक से बैठाया है। आइए एक बार चेक कर लेते हैं, एक्स क्यूब था, एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर, ये टू एक्स क्यूब हो गया, ये एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर आपका कहाँ से आया, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ठीक है। आगे देखिए इसमें से क्या मिला आपको, टू थ्री फोर सिक्स और प्लस वन सेवन, ये सेवन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के आगे जो है, एक्स स्क्वायर के आगे जो है यही इसका कोफिशियंट है, मतलब आंसर कितना हुआ सेवन, बस खत्म। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए।